ये है मुल्क का वकार को परवान चढ़ाया है क्या, महफूज किया है? अगर आपका मुल्क का वजीर आजम जो है वो मजबूर हो जाता है कि दूसरे ममालिक में या दूसरे इदारों में जाके कर्ज मांगे, तो क्या ये मुल्क आज़ाद हुआ? क्या ये मुल्क खुददार हुआ? अगर 48 बिलियन डॉलर का पिछले साल ट्रेड डेफिसिट था, तिजारती खसारा 48 बिलियन डॉलर्स का, 5000 अरब रुपए से ज़्यादा एक साल का बजट का खसारा था, वो खसारा जिसके पैसे हमारे पास पूरे करने के नहीं हैं, ना हमारे पास 48 बिलियन डॉलर्स हैं, तो वो क्या मुल्क आज़ाद है? क्या वो मुल्क खुददार है? क्या इसलिए हमने मुल्क बनाया था? क्या इसलिए हमारे बाप दादाओं ने अपना खून दिया था? ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। 40% बच्चे जो हैं, ये क्यों ज़रूरी है मीसाक? क्योंकि 40% बच्चे इस मुल्क के अंदर स्टंटेड हैं, इतने मेल नरिश्ड हैं, उनके वालदैन के पास इतना कम पैसा है कि बच्चा स्टंटेड हो जाता है, वो बच्चा फिर कभी भी प्रोडक्टिव मेंबर सोसाइटी का नहीं रह सकता। तो हम जैसे साहिब सरवत लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि कितने बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है इसके कि उनको स्कूल भिजवाइए, कितनी स्कूलों को हमने चंदा दिया है, छोड़ दें हुकूमत क्या करती है, हमने क्या किया है, कितनी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर जो कि दो दो चार चार छः छः स्कूलें चला सकती हैं, सब चला सकते हैं, कितने लोग चलाते हैं? हम तो सब लोग अंधेरे को ही कोसते हैं ना, कोई अपनी शमा हिस्से की तो नहीं जलाता यहाँ पर। तो ये 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 बातें अब रखनी ज़रूरी हैं, इस मुल्क इस नहज पे आ गया है। जब मैं वज़ीर ख़जाना बना हूँ इस मुल्क का, दूसरी मरतबा अल्लाह ताला ने ये मुझे और मेरी पार्टी की लीडरशिप ने ये मुझे ऑनर दिया है, तो जब वज़ीर ख़जाना बनाऊँ तो उस वक्त पाकिस्तान का बॉन्ड जो था वो 71 रुपये का जो बॉन्ड है, जो डॉलर में हमने बॉन्ड बेचा है, जो इस साल ड्यू था, वो 70 पैसे का बिक रहा था। यानी कि अप्रैल के अंदर लोग ये नहीं समझ रहे थे कि रुपया जो पाकिस्तान ने जो डॉलर का बॉन्ड दिया वो दिसंबर में इनको पाकिस्तान वापस कर सकेगा, तो वो डॉलर का बॉन्ड 70 सेंट में बेच रहे थे, 100 डॉलर का बॉन्ड 70 डॉलर में बेच रहे थे। ये मईशत की हमारी हकीकत थी। हमारा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क दुनिया में हाई तरीन था, चौथे नंबर पर पाकिस्तान था डिफ़ॉल्ट के रिस्क पर, चौथे नंबर पर। एक एक LC खुलवाना पेट्रोलियम की, या बड़ी LC खुलवाना प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, जो शेयर लाने के बराबर था। कंफर्मेशन नहीं करवा सकते थे हम लोग। मैं खुद फ़ोन करता था वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के बैंकों को और बाहर के बैंकों को कि ये एक LC आ गई है PSO की, इसको कंफर्म कर लो। इस नेच पे हम लेकर आ गए थे मुल्क को। ये इतना बड़ा मुल्क है, इतना अच्छा चल रहा है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, करोड़ों लोग रहते हैं इधर, इस नहज पे हम इस मुल्क को लेके आ गए थे। कोई तरक्की करना इतना मुश्किल तो नहीं है? पाकिस्तान की तो यंग पॉपुलेशन है, 3-4% तो खट करके तरक्की आ जाती है, मगर जब भी 5-6% तरक्की आती है हम करंट अकाउंट डेफिसिट के ट्रैप में पड़ जाते हैं। पिछले, अब मैं थोड़ी सी सियासी बात कर लेता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ आपको, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर हमने 20,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ा दिया पाकिस्तान के ऊपर। अभी तकरीबन 45-50 हज़ार अरब रुपया कर्जा है। ये 45-50 हज़ार अरब रुपया जो है, ये बेखाज पौने दो लाख रुपए पर सिटीज़न बनता है, थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है कि 2,10,000 रुपये। ये क्या हमने, इसमें क्या हमने, हम अपने बच्चों को पढ़ा तो नहीं सके? आधे बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते, पाकिस्तान के आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। 10 बच्चे अगर दुनिया में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जाहिल हैं, 10 बच्चे, उसमें से एक पाकिस्तानी है, 10 में से 1 पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ 7 अरब लोगों के अंदर, हम 2 या 3% पॉपुलेशन है, 3% पॉपुलेशन पाकिस्तान की दुनिया में, लेकिन 10% जाहिल लोग हमारे, 10% जाहिल कम पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे बच्चे हमारे हैं। ये हम मतलब हम किधर लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? 80 बिलियन डॉलर्स की आप इंपोर्ट करते हैं, आपके पास इतनी चीज़ें भी नहीं है कि आप 30 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें बेच सकें। सीरियसली 30 बिलियन के ऊपर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि दूसरे मुल्क जो हमारे पाकिस्तानियों को रखते हैं वहाँ से 30 बिलियन आ जाते हैं, तो 30 और 30 60 होते हैं। वो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, अमरीका जाते हैं, माशाल्लाह अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बन जाते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स बन जाते हैं, थ्राइव करते हैं, कहीं पर कोई पाकिस्तानी पीछे नहीं रहता। पाकिस्तानी मिडल ईस्ट जाते हैं, यूरोप जाते हैं, हर जगह पैसे कमा रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हर जगह अच्छी सोसाइटी के अच्छे मेम्बर्स बनते हैं। यहाँ पर पता नहीं क्या आसेब का साया है। सीरियसली मतलब ये इतना कलेक्टिव एक्शन फेलियर कैसे हो सकता है किसी मुल्क के अंदर? ये कलेक्टिव एक्शन फेलियर है। तो मैं आपको सच बताऊं कि इस मतलब थोड़ा सा सियासतदानों को भी, बिजनेसमैनों को भी, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। हम एक टैक्स लगाते हैं अगर, तो
हमारे कराची चैम्बर वाले खड़े हो जाते हैं, एक और टैक्स लगाते हैं तो शकील भाई हमारे इस्लामाबाद चैम्बर वाले खड़े हो जाते हैं, एक और टैक्स लगाते हैं तो हमारे भाई अजमल बलोच साहब खड़े हो जाते हैं। मतलब हर आदमी को अपना टैक्स किसी को भी नहीं देना माशाल्लाह इस पाकिस्तान के। नहीं नहीं मतलब मैं तो एक वो बात कर रहा हूँ, किसी को टैक्स नहीं देना। 9,000 अरब रुपये का आपको खर्चा है, कहाँ से टैक्स लेकर आओगे? बैंकों के ऊपर टैक्स लगाओ तो बैंक पीछे आ जाते हैं। मतलब सीरियसली अपना हिस्सा तो डालना होगा ना अब इस मुल्क के अंदर। अब हम कहते हैं हमको खुददार होना है, बड़ी अच्छी बात है खुददार होना है, बोलते हैं हम आज़ादी लेके रहेंगे, बड़ी अच्छी बात है आज़ादी लेंगे। फिर आज़ादी अगर लेनी है तो फिर 48 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट तो नहीं करना चाहिए। आज़ादी लेनी है तो 17-17.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट तो नहीं होना चाहिए। अगर आज़ादी लेनी है और आपके पास 9 बिलियन डॉलर्स हों तो 21 अरब डॉलर अगर आपको उधार वापस करना हो इसी साल के अंदर और 9 बिलियन डॉलर, तो फिर आज़ादी की बात तो नहीं करनी चाहिए। फिर वो आज़ादी लेनी है तो आप डिसाइड करें कि नहीं IMF कोई बात नहीं, जो भी कहता है हम अपने दोस्तों को एमनेस्टी देंगे, और अप्रैल के अंदर फरवरी के अंदर हमने अपने दोस्तों को एमनेस्टी दे दी, फिर हमको आज़ादी की बात तो नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है नहीं करें आज़ादी की बात तो भी सही है, लेकिन अगर आज़ादी की बात करें तो फिर ये तो सोचें कि यार 48 बिलियन का आप इंपोर्ट कर रहे हैं, 17 बिलियन का 48 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं, 17 बिलियन का 17.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट कर रहे हैं, आपके पास 9 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं, आपको 21 बिलियन डॉलर ला के देने हैं, फिर आप क्या बातें कर रहे हैं? पहली मरतबा ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि हमने एक रैशनल पॉलिसी की है। पहले इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो बजट डेफिसिट होता है वो क्या होता है। बजट डेफिसिट होता है कि हुकूमत डिस सेव कर रही है, जितना हुकूमत की महसूलात से हुकूमत ने ज़्यादा खर्चा किया, ये जो फ़र्क होता है अगर ये हुकूमत के अखराज आते हैं और ये हुकूमत की महसूलात हैं, ये जो फ़र्क है ये कहीं ना कहीं से चाहिए। तो हुकूमत जाती है पहले अपने लोगों के पास, निजी शोबे से प्राइवेट सेक्टर से लोगों को बोलती पैसे दो। हमारे प्राइवेट सेक्टर की जितनी सेविंग है उतना इन्वेस्टमेंट है, हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास कोई एक्सेस सेविंग नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे नहीं है। तो फिर आपको लेने पड़ते हैं बाहर के लोगों से पैसे। वो जो बाहर के पैसे से लोगों को पैसे लेते हैं इसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। जब आपका ट्रेड डेफिसिट बजट डेफिसिट ज़्यादा होगा तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़रूर ज़्यादा होगा। ये 1-to-1 रिलेशनशिप है तकरीबन, अनलेस के बिहेवियर चेंज हो जाए। बजट डेफिसिट आज का कल के दिन में करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो वो कहाँ से पैसे आएंगे? वो बाहर से लोग मिल लेंगे। और अगर बाहर से पैसे लेते हैं आप और उसको प्रोडक्टिव यूज़ में डालते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर एक आदमी कर्ज लेता है और अपनी फैक्ट्री लगाता है तो बड़ी अच्छी बात है, मगर वही आदमी अगर कर्ज लेकर पैसे खा जाता है तो वो कौन सी अच्छी बात है? हम कर्ज लेकर पावर प्लांट्स लगाए, 12,000 मेगावाट से 25,000 मेगावाट इस मुल्क पे ले गए 5 साल के अंदर। मैं समझता हूँ मॉडर्न मिरेकल था वो 5 साल के अंदर कि हमने इतने पावर प्लांट लगा दिए, मगर फिर क्या हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल की? नहीं। क्या हमने एक्सपोर्ट डबल किए? नए हमने शादी हॉल बना दिए। आज आपके पास कोयला खरीदने के पैसे नहीं है, कोयला $50 का हमेशा से मिलता था, अचानक $300 का हो गया, चलो ठीक है ठीक है, लेकिन हमारे पास तो कोयले खरीदने के पैसे नहीं है, फर्नेस ऑयल खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं है, LNG खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं है। एक वो डील नवाज शरीफ ने और शाहिद अब्बासी ने करी थी LNG की, जिसकी वजह से सस्ता LNG आज मिल रहा है, वो शाहिद अब्बासी को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। 4 साल तक आप लान तान करते रहे कि नहीं चोरी कर ली, आज आप बोलते हैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने वो कर लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। सीरियसली एज अ नेशन हमको थोड़ा सा वी हैव टू ग्रो अप, थोड़ा सा मतलब एडल्ट्स की तरह बात करनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब वी हैव टू कम अब, मतलब बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान, जब मुश्किल मसले जब इतने स्टार्क हो जाते हैं ना बड़ा आसान हो जाता है। ये जो पॉलिसी मेरे जहन में आई ना, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ये समझता हूँ कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री अगर थोड़ा सा कर्ज ले लेती हो और थोड़ा सा बजट डेफिसिट कर लेती हो, थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट कर लेती तो कोई बात नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट करके वो इन्वेस्ट कर ले कोई बात नहीं। अब पाकिस्तान को सिग्नल देना पड़ रहा है दुनिया को कि हम ये डेफिसिट नहीं करेंगे। मैंने जब चाइनीज़ एम्बेसडर साहब को ये बताया कि हम अब करंट अकाउंट डेफिसिट को ज़ीरो करने के जाएंगे तो बड़ा खुश था कि यार ये बड़ी समझदारी की पॉलिसी तुमने करी है। वो बेचारे बोल नहीं सकते हमारे दोस्त हमको, लेकिन वो बोल रहे हैं कि क्या करो। सीधी सीधी सी बात है कि अगर आप जितना इंपोर्ट करेंगे उतना आप एक्सपोर्ट कर लें और रेमिटेंस कर लें, जो आपके वसाइल हैं जो कि एक्सपोर्ट और रेमिटेंस है उसके बराबर आपके अखराजात हो जाएं, अपनी चादर देख के पैर फैलाएं, मुल्क आहिस्ते आहिस्ते खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और मैं तो प्राइवेट मार्केट में बिलीव करता हूँ, आहिस्ते आहिस्ते एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ी सी उसके अंदर मदद बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हर आदमी को पाकिस्तान में 80% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तानियों को बेचने की है,
हर आदमी को पाकिस्तान में बेचना है, जबकि हैरत की बात है कि इतनी गरीब मार्केट को क्यों बेचना है, अगर पूरी दुनिया की मार्केट बेच सकते हैं, जब यूरोप को बेच सकते हैं, अमेरिका को बेच सकते हैं, तो आप पाकिस्तान में क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इधर बेचना आसान है, नफ़े ज़्यादा हैं। तो हमको अब हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसको एक्सपोर्ट की तरफ लगाना है। दैट्स वन। हम पाकिस्तान को कहते हैं कि एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क आपका वीट इम्पोर्ट करता है, 1 मिलियन टन इस साल हम वीट इम्पोर्ट कर चुके हैं, ताकि गंदम की कीमत इम्पोर्ट कर चुके हैं ताकि आटे की कीमत ना बढ़े। 2018 के अंदर हम छोड़ के गए थे तो मुल्क जो था वो एक्सपोर्ट कर रहा था, आज इम्पोर्ट करनी पड़ रही है वीट, खाद हमको इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, इम्पोर्ट भी हो रही है, स्मगल भी साथ साथ हो रही है। खाद इम्पोर्ट करते हैं, वीट इम्पोर्ट करते हैं, हम कहते हैं एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रीकल्चर की वो अच्छी करें। ये प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई है तारिक बशीर चीमा के सरबराही में, और वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ऑयल सीड्स के ऊपर इंटरवेंशंस डालेंगे हम, कोशिश करेंगे जो 5 बिलियन 4.5 बिलियन डॉलर्स का पिछले साल आपने इम्पोर्ट किया है खाने पीने का खुर्दनी तेल, अगले साल शायद इससे भी ज़्यादा करना पड़े। तारिक बशीर चीमा साहब की जो कमेटी है उसने बड़ी अच्छी इंटरवेंशंस डाली हैं, और मैं खुशी से एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इसके अंदर पैसे दूंगा कि हम इसके अंदर अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बेटर करें, ऑयल सीड्स बनाएँ ताकि फिर हम डॉलर्स बचा सकें। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम ऑयल सीड्स इतने पैदा नहीं कर सकते, वीट हम पैदा नहीं कर सकते। राइस की प्रोडक्टिविटी देखें पाकिस्तान की कम है, सबसे अच्छी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो मेज़ की है, लेकिन मेज़ में भी हम हिंदुस्तान से पीछे हैं। उसके बाद ये दो चीज़ें करने के बाद कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएँ और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी करें, लॉन्ग टर्म हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म मैंने आपसे गुजारिश की है कि हमारे मुल्क के अंदर हम आधे बच्चे जो हैं पाकिस्तान में वो स्कूल के बाहर हैं, 10 में से 1 बच्चा पाकिस्तान का जो है, दुनिया का जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है वो पाकिस्तानी है। तो हम क्या करें? हुकूमत को, हर हुकूमत को, सूबा हुकूमत हो, प्राइवेट सेक्टर सूबा हुकूमत हो, वफाक हुकूमत हो, और सूबे की हुकूमत अगर फेल हो रही है, और हो रही है, वफाक अगर फेल हो रही है, हो रही है, तो जैसे TCF है, मुश्ताक छापरा साहब ने बनाई है, दीगर लोगों ने बनाई है, इस तरह आप लोगों को मैं बिज़नेस मैनों से अर्ज करता हूँ कि अपने अपने एक एक स्कूल बना दें, दो दो स्कूलें बना दें, सीरियसली बच्चों को पढ़ा दें, ये अच्छा हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सीरियसली तरक्की करना बड़ा सिंपल है। लिव विद इन योर मीन्स, जितने पैसे हैं उस हिसाब से अखराजात करें, ज़्यादा कर्ज ना लें, ना ज़्यादा डॉलर में कर्ज लें, ना रुपए में कर्ज लें, और एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट को बढ़ा दें, बच्चों को पढ़ा दें, बस दैट्स इट। खुद ब खुद मैं आपको बता रहा हूँ, कोई और जादू का वो नहीं है कि कोरिया ने क्या प्लान कर लिया या बांग्लादेश ने क्या प्लान कर लिया, ये 4 चीज़ें कर लें, बच्चों को पढ़ाई करा दें, अपने अपने अखराजात अपने उतने कंट्रोल कर लें जितने आपके महसूलात हैं, एक्सपोर्ट पे ऊपर तवज्जो दें और एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ग्रो करेगा। ये याद रखिए, हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे जो हैं, हिंदुस्तानी जो हैं, वो गूगल का CEO हिंदुस्तानी है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO हिंदुस्तानी है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हिंदुस्तानी हैं, कंप्यूटर वाले हम बोलते हैं यार हमारे बच्चे नहीं हैं, और ट्रू नहीं है, और बोलते हैं हमारे बच्चे में बड़ा टैलेंट है, बिल्कुल टैलेंट है, लेकिन कभी सोचा कि क्यों नहीं है? क्योंकि 1950 की दिहाई के अंदर पंडित नेहरू ने वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए थे, वो 2 दिन में चीजें नहीं होती हैं। कितनी हमारी यूनिवर्सिटीयां हैं, कितने हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वो परवेज हूद भाई कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बहुत कम हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो कि 12वीं जमात के बाहर के पेपर पूरे सॉल्व कर सकें, A-levels के मैथ और फिजिक्स के पेपर सॉल्व कर सकें। हमने यहां पर उसकी भी फैक्ट्रियां डाल दी, जाली पब्लिकेशन शुरू कर दी। सो सीरियसली मतलब एक अब है ना, वो जैसे ग्रोन अप मुल्क होना चाहिए, बच्चों वाला मुल्क होना चाहिए, सीरियस काम करना चाहिए, सीरियस आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ 4 चीज़ें करनी है, बच्चों को तालीम देनी है, अपने मींस में रहना है, एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी है, एग्रीकल्चर ठीक करना है। मैं आपको बताऊँ, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, ये 4 चीज़ें जब तक पाकिस्तान नहीं करेगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा, लेकिन ये 4 चीज़ें करेगा ज़रूर इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ पर आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर इस्लामाबाद चैम्बर का, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही हैं, डॉक्टर वकार ने और सब लोग, डॉक्टर नदीम उल हक ने, और ये सब बड़े जैद इकोनॉमिस्ट हैं, तो मैं इसमें मज़ीद ऐड नहीं करूँगा, लेकिन ये जो मेरे 4 पॉइंट का फार्मूला है, मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ लेके चलेंगे इंशाल्लाह तो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।